तो OnePlus ने Nord CE 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। वैसे तो इसके कंपटीशन में कई फोन अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे करीबी Samsung Galaxy F62 को माना जा रहा है, जो कि 25,000 रुपए से कम के बजट में अपनी परफॉर्मेंस और कैमरे का लोहा पहले ही मान चुकी है। ऐसे में हमने OnePlus Nord CE 5G और Samsung Galaxy F62 का एक छोटा सा कंपैरिजन किया है, जो आपके सामने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। इस कंपैरिजन में हमने डिजाइन, डिस्प्ले से लेकर कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी तक की कंपैरिजन की है, और साथ ही साथ आपको कंक्लूजन भी मिलेगा। यदि आप इन दोनों फोन में से किसी एक को लेना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आगे शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। आगे बढ़ें उससे पहले अपने इस भाई का नाम जान लें। मैं हूं आपका दोस्त रोशन अनूप और आप देख रहे हैं टेक्नो अनूप। टूटेगा नहीं। OnePlus Nord CE 5G की बॉडी पॉलीकार्बोनेट वर्टिकल शेप में रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। क्वालिटी अच्छी है और बैक पैनल कर्व्ड है, ऐसे में पकड़ने में बेहतर एहसास भी कराता है। लेफ्ट साइड वॉल्यूम बटन है और राइट साइड अलर्ट स्लाइडर और पावर बटन दिए गए हैं। नीचे की ओर स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक अवेलेबल है। डिज़ाइन अच्छा है लेकिन कोई नयापन नहीं है। पिछला नॉर्ड भी कुछ ऐसा ही था, जिसका वेट 170 ग्राम का है। सैमसंग गैलेक्सी F62 की बॉडी भी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी है और कंपनी ने इसे ग्लास फिनिश में लॉन्च किया है। फ़ोन में नए पैटर्न डिज़ाइन का यूज किया गया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये फ़ोन लेजर ब्लू, लेजर ग्रे और लेजर ग्रीन तीन कलर में लॉन्च किया है। कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी राइट साइड पावर और वॉल्यूम बटन है, जबकि नीचे में स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाएगा। इस फोन का वेट 210 ग्राम का है। डिजाइन के मामले में आपको नॉर्ड थोड़ा ज्यादा इंप्रेस करेगा। फोन हल्का और थोड़ा छोटा भी है, वहीं गैलेक्सी F62 हेवी हो जाता है। कंस्ट्रक्शंस भी नॉर्ड की बेहतर है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नॉर्ड फोन बहुत हद तक रियलमी फोन से मिलता जुलता लगता है, लेकिन सैमसंग बिल्कुल अलग है। OnePlus Nord CE 5G में 6.43 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो 410 पिक्सल डेंसिटी सपोर्ट करता है। वहीं कंपनी ने इसे 90 हर्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया है। इतना ही नहीं, फोन में दी गई डिस्प्ले RGB और डिस्प्ले P3 को सपोर्ट करती है। फोन में साइड पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। वहीं Samsung Galaxy F62 में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। कंपनी ने इसे सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है और फोन में 60 हर्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन 393 पिक्सल डेंसिटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा HDR और वाइड वाइन L1 सपोर्ट भी है। वहीं स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। रही बात कंक्लूजन की, तो बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 90 हर्ज रिफ्रेश रेट की वजह से Nord CE 5G आगे नजर आता है, लेकिन उसमें स्क्रीन छोटी है और कंपनी ने प्रोटेक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और यहां फैसला फिर आपको करना है कि क्या चाहते हैं, हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन या फिर प्रोटेक्शन। मेरे हिसाब से हाई रिफ्रेश रेट बेहतर होगा। OnePlus Nord CE 5G को कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही 6GB, 8GB, 12GB LPDDR4X RAM और 128GB, 256GB की UFS 2.1 इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं है। Samsung Galaxy F62 कंपनी ने Samsung के ही Exynos 9825 चिपसेट पर लॉन्च किया है। 7nm फैब्रिकेशन पर तैयार ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस में काफ़ी शानदार है। वहीं इसके साथ 6GB और 8GB की LPDDR4X RAM मेमोरी के साथ 128GB की मेमोरी मिलेगी। फोन में 1TB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट है। इस सेगमेंट में Samsung Galaxy F62 आगे निकल जाता है। गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। इसने कई बेंचमार्क पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G को पीछे रखा है। वहीं मेमोरी कार्ड सपोर्ट होना भी एक्स्ट्रा लाभ देता है।
OnePlus एक जगह आगे नजर आता है, वो है 12GB RAM मेमोरी ऑप्शन, जो कि Samsung में नहीं है। फोटोग्राफी के लिए OnePlus Nord CE 5G में ट्रिपल रियर कैमरा अवेलेबल है। इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और कंपनी ने आइसोसेल सेंसर का यूज भी किया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस दिया गया है। फ्रंट पर सोनी IMX471 सेंसर वाला 16 मेगापिक्सल का कैमरा अवेलेबल है। गैलेक्सी F62 में रियर पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और कंपनी ने सोनी IMX682 सेंसर का यूज किया है, जो F1.8 अपर्चर के साथ आता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए भी इसमें 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फ्रंट कैमरा अवेलेबल है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैमरा सेगमेंट में सैमसंग पूरी तरह से भारी पड़ता है। क्वाड कैमरे के साथ फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा है। कंपनी ने Nord CE 5G को 4500mAh के साथ लॉन्च किया है। ये फोन 30 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं Samsung Galaxy F62 में 7000mAh की बैटरी और ये 25 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यहाँ भी Samsung बहुत आगे नजर आता है। हालांकि OnePlus Nord CE 5G की चार्जिंग स्पीड 5 वाट ज्यादा है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सैमसंग बैटरी बैकअप के दम पर बहुत आगे हो जाता है। OnePlus Nord CE 5G में 5G सपोर्ट है। इसके अलावा 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 3.5mm ऑडियो जैक और USB टाइप सी पोर्ट और NFC भी मिलेगा। वहीं Samsung Galaxy F62 में 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, 3.5mm ऑडियो जैक और USB टाइप सी पोर्ट के अलावा NFC दिया गया है, जहां आप फुल Samsung Pay का मजा ले सकेंगे, लेकिन 5G नहीं है। यहां Nord CE 5G Galaxy F62 पर पूरी तरह से भारी पड़ता है और आज के डेट में 5G को खास फीचर कहा जा सकता है। इंडिया में OnePlus Nord CE 5G के 6GB प्लस 128GB मेमोरी वाले मॉडल की प्राइस 22,999 रुपए है। वहीं 8GB प्लस 128GB वाला फोन 24,999 रुपए में लिया जा सकता है, जबकि 12GB प्लस 256GB वेरिएंट 27,999 रुपए में अवेलेबल है। वहीं Samsung Galaxy F62 को कंपनी ने 2 मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च किया है। 6GB वाला मॉडल 23,999 रुपए में है, जबकि 8GB वेरिएंट्स का प्राइस 25,999 रुपए है। दोनों मॉडल पर फिलहाल 250 रुपए का इंस्टेंट कैश बैक भी है, यानी कि 21,499 रुपए में शुरुआती वाला मॉडल को लिया जा सकता है। यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि यदि आप 5G फोन लेना चाहते हैं तो फिर OnePlus Nord CE 5G ही बेस्ट है। वहीं 5G छोड़कर बेहतर कैमरा, शानदार बैटरी बैकअप और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फिर Samsung Galaxy F62 से अच्छा इस बजट में कोई फोन है ही नहीं।